नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं उजांग टाइम्स पर। मैं लेकर आई हूं उजांग सर के कलम से उजांग सर के व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जोदी तोरे डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, क्योंकि वर्तमान कोल्हापूर्ण विश्व में जो युद्धों, हिंसा, सूचना प्रौद्योगिकी के विस्फोट से जन्मी चीखती हुई अर्ध सत्य खबरों और अविश्वास के युग में व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करने का संदेश देती है। 7 मई 1861 में कलकत्ता में जन्मे गुरुदेव आधुनिक भारत में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान किया वो आधुनिक भारत में निर्माण का आधार है। देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी की 14वीं संतान के रूप में जन्मी रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार जमींदार और उच्च वर्ग से जुड़ा हुआ था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बचपन में उनका पालन पोषण नौकरों के द्वारा किया गया, इसीलिए उनके बालमन पर इसका अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने व्यवस्था में व्याप्त अनेक कमियों को महसूस किया, इसीलिए उनका शिक्षा व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया था जो व्यक्ति को बांधती है। इसी के चलते उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की नींव डाली, जो भारत में अपनी तरह का पहला शिक्षा केंद्र था। ये पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति का अद्भुत संगम था। यहाँ पश्चिमी के विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय दर्शन और साहित्य पढ़ाया जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होने के साथ साथ अत्यंत आत्मीय संबंध रखते थे। गांधी जी के द्वारा ही टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई, तो टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन इसके बावजूद कई मुद्दों पर भारत के इन दो महापुरुषों के बीच मतभेद था। जैसे गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा के घोर आलोचक थे, उसे वो मानव को भ्रष्ट और निकम्मा करने वाले बताते थे। वहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस बात के समर्थक थे कि भारत के उत्थान के लिए आवश्यक है कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का संगम किया जाए। आगे चलकर 1921 में स्थापित विश्व भारती गुरुदेव के स्वप्नों का केंद्र बना। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के विचार तत्कालीन राष्ट्रवाद के विचारों पर अलग थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गुरुदेव ने व्यथित को पत्र लिखकर ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1915 में दी गई नाइट की उपाधि छोड़ने की घोषणा की। लेकिन टैगोर राष्ट्रवाद के आधुनिक स्वरूप के सख्त आलोचक थे, क्योंकि आधुनिक राष्ट्र द्वारा किए गए अपराधों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जापान के द्वारा लगातार अत्याचार किए जा रहे थे। पश्चिमी देश राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर दूसरे देशों पर अत्याचार कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रवाद के नाम पर व्यापक रक्तपात हुआ था। इसीलिए गुरुदेव का कहना था कि मैं मानवता के मूल्यों के ऊपर राष्ट्रवाद को कतई नहीं रख सकता हूँ। इस प्रकार टैगोर अंतरराष्ट्रवाद के समर्थक थे। गांधी जी से इस मुद्दे पर भी टैगोर का मतभेद था। गांधी जी का मानना था कि जब तक एक राष्ट्र के तौर पर हम स्वराज प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम अंतरराष्ट्रवाद की भी बात नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि अपने देश से प्रेम अलग बात है, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे देश को शत्रु मानने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि लोगों की मानसिक गुलामी से वो आजाद हो जाएं, तो उनके लिए वास्तविक स्वतंत्रता वही होगी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सुनार बांग्ला। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनकी छाप दिखाई देती है। आरंभ से ही ये दुष्प्रचार किया कि उन्होंने ये गान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा, लेकिन ये पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं इसका खंडन किया था। गुरुदेव ने 1939 में लिखा, मैं इस तरह के लोगों को जवाब देना भी अपना अपमान समझता हूँ। मैं कभी जॉर्ज पंचम या अन्य के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता।
नित्य प्रिय घोष अपनी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर पिक्टोरियल बायोग्राफी में लिखते हैं, रविन्द्रनाथ के एक मित्र ने सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के मौके पर उनके सम्मान में एक गीत लिखने का आग्रह किया था। उस आग्रह को ठुकराते हुए टैगोर ने किसी अंग्रेज राजा नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के हृदय पर राज करने वाली शक्ति के सम्मान में ये गीत लिखा था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कलम से निकले शब्द आज भी जीवंतता का एहसास कराते हैं। उनके उपन्यास गोरा, नश्चनीर, चोखेर बाली आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाज में आ रहे बदलावों और अंतरदशा को दिखाते हैं। गुरुदेव की सर्वोत्तम कृति गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, वो भारत ही नहीं दुनिया भर में एक अद्भुत कृति के रूप में विख्यात हुई। गुरुदेव अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन माई वर्ड्स में लिखते हैं, लंदन पहुंचकर मैंने ये कविताएं अंग्रेज चित्रकार विलियम रोथेनस्टीन को दे दी, जिन्हें मैं 1911 में कलकत्ता में मिल चुका था। रोथेनस्टीन ने मशहूर कवि W.U.B. यीट्स को वो कविताएं पढ़ने के लिए दे दी। यीट्स ने एक शाम को वो कविताएं अपने जानने वाले कवियों के बीच पढ़ी, विचारों से भाव विभोर हो गए। उन लोगों ने कविताओं के इस संकलन को इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा छपवाने का फैसला किया। यीट्स ने ही गीतांजलि की इन कविताओं का प्राकथन लिखा। यीट्स ने लिखा कि वो गीतांजलि के इस कदर दीवाने हो गए थे कि कुछ दिनों तक लगातार इसे पढ़ते रहे। गुरुदेव ने जापान से लेकर ईरान, इटली, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में यात्रा की और भारतीय कला, संस्कृति, चित्रकला और विचारों का प्रसार किया। वो पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था व्लॉग उजांग सर के कलम से। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पुराने वीडियोस में इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे भी आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। और हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने नए सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में उजांग सर के कलम से। नमस्कार।